साढ़े पाँच गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सिस्टी आज गई है स्कूल फर्स्ट टाइम बस से। फाइनली मैं आराम से उठा, मतलब उठ जाऊँगा सर, वही सेम टाइम पे उठ जाऊँगा। फिर ये होता ना छोड़ने जाना, तो सुबह मैं अपनी एडिटिंग करना शुरू कर दूंगा। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी इसे चाय ले रहा हूँ। ब्रेड ऑमलेट लिया है ब्रेकफास्ट। रिंगता खाती पराठा, कभी कभी खाती है ऑमलेट। बहुत थकी हुई है, बहुत ज़्यादा। कुछ तो नज़र भी उतारनी है मुझे, रिंगता की बहुत नज़र लगी है, गुमसुम सी है, एकदम गुमसुम। पूरी बॉडी कह रही है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। मैंने सोचा कि पूरी बॉडी या तो मैं दबा दूँ नहीं, मैं एक एक कमाल करूँगा, बस नज़र उतारूँगा। मुझे पता है इसको नज़र लगती है। तो ये मिली है इमरता को साड़ी, कल छोटी मामी ने दी है। तो गाइस, मुझे अब पता चल रहा है कि दर्द क्यों हो रहा है, निम्नता के क्या हो रहा है कि पैरों में दर्द हो रहा है यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ ये दर्द क्यों हो रहा है। तो पता चला है कि जो जागरण हुआ था ना नानी जी के, मतलब 13 से पहले जो रात को गए थे, उस दिन डांस किया था वहाँ पर जागरण में। मम्मी ले गई थी जबरदस्ती पकड़ के। अच्छा, मम्मी लेके गई थी। मौसी। तो हमारे मतलब रीति रिवाज में एक तरह से ये होता है, बड़ा बूढ़ा बूढ़ा जाता है जैसे, उनके उसमें क्या क्या कपड़े मतलब दिए जाते हैं, भांजे को दिए जाते हैं, भांजा बहू हो गए, और मम्मी को है ना, मतलब जो उनकी बेटियां हैं बहुएं हैं उनको, और रिश्तेदार लेके आते हैं तो वो देते हैं। तो गंगा जी जैसे मैं गया था भांजा के उसमें, तो सारे फिर कुछ मतलब मुझे भी दिया गया था वहाँ पे। तो भांजा बहू जैसे कि लता के लिए भी एक कदा साड़ी वगैरह ऐसे। तो हमारे रीति रिवाज में जो कि बड़ा बूढ़ा जाता है तो ऐसे ही देते हैं, तो इसीलिए काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो ये सब साड़ी वाड़ी मामी ने दी थी, फिर मम्मी को भी साड़ियाँ मिली थी, मौसी को भी साड़ियाँ मिली थी, दोनों मामियों को भी मिली थी, मुझे भी। तो जो और रिश्तेदार है वो करते हैं। इतना बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, जितना पता है मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सब शर्ट के मतलब मेरे नाम पे तो शर्ट पैंट शर्ट के कपड़े ही मिले हैं, जो कि मैं सिलवाऊंगा नहीं ये सारे देने में ही काम आएंगे रिश्तेदारी वगैरह में। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे पैंट शर्ट के कपड़े मिले। तो ये है पैंट शर्ट का कपड़ा, ये देखो ये है, और ये है, और ये साड़ियाँ हैं, ये आपकी है ना, ये साड़ी मिली है, और ये पैंट शर्ट का कपड़ा है। अगेन देखो इस पे लिखा हुआ है भांजा, और ये साड़ी है, तो मतलब ऐसी साड़ियाँ होती है। तो ये साड़ी है, ऐसी साड़ियाँ होती है, और ये पैंट शर्ट का कपड़ा। अगेन ये भी पैंट शर्ट का कपड़ा, ये भी है, और एक ये मिला है गमछा। इसको खोल के देखता हूँ, अगर मेरे काम आ जाए तो खोलना इसको। अरे कुछ भी, अगर मान लो मेरे कुछ पर्पस से यूज़ में आ जाए तो। हाँ तो खोलो ना, उसकी पैकिंग ऐसी है, खोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, पैकिंग तो अच्छी थी, ये अच्छा लग रहा था खोलो। प्योर कॉटन का है। हाँ प्योर कॉटन है। अरे टैग तो हटाओ। अरे सही है वैसे, लुंगी बनाने के। गॉड ब्लेस यू। ओहो, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि लुंगी वगैरह बनाने का काम आ जाएगा, लुंगी डांस करने के लिए अरे मजाक कर रहा हूँ, पैक करके रख दो इसको, जब यूज़ में होगा दे देंगे किसी को। वाह क्या दोबारा से वही पैकिंग हो गई है, देखो बिंदास। ये हिमलता का कमाल चलो अभी सब सामान को उठा के रख दो, ये भी उठा लो, लो ये सारा चलो। सो गाइज, आज से थोड़ा बहुत वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, और हिमलता को भी मोटिवेट कर दिया है, आज से हिमलता का भी वर्कआउट स्टार्ट। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए गाड़ी पे चलेंगे ट्रायल पे, वर्कआउट के बाद। कोई बात नहीं, सिस्टी आ जाएगी तो सिस्टी को लेके चलेंगे थोड़ी देर, आधा घंटा एटलीस्ट टाइम देना है ट्रायल को भी। जो सैंपल्स आए थे चेक करने के लिए, तो वो प्रोटीन है मेरे पास, तो कुछ कुछ वो प्रोटीन हो जाएगा, देन उसके बाद फिर मैं और मंगाऊंगा प्रोटीन। और अभी तैयारी हो चुकी है थोड़ी बहुत, ये शेकर ये बना लिया है एनर्जी ड्रिंक के लिए, ग्लूकोज ले लिया है अभी, तो वरना लेमन वाटर हम ले लेते अगर ग्लूकोज नहीं होता तो। और आपको
जिम के टूल्स दिखाता हूँ। थोड़े बहुत मेरे पास जिम के पड़े हुए हैं डंबल्स वगैरह। सो कुछ मेरे पास ये प्लेट्स हैं, एक ये रॉड है छोटी, तो ये रॉड हो गई, छोटी प्लेट हो गई 1.5 kg की। तो आज के लिए अभी यही है, सिंपल ये रॉड ले लेता हूँ। मेरे पास अभी 3-3 kg की दो और प्लेट्स हैं, तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है तो हल्का फुल्का वर्कआउट, ताकि बॉडी बहुत ज़्यादा पेन ना करे, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। ये देखो स्टार्ट भी हो गई। पहले कार्डियो कर लो थोड़ा सा, चलो मैं बताता हूँ, करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। ये देखो पीछे वर्कआउट स्टार्ट हो रहा है। फास्टर 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 फास्टर, गुड गुड, करो करो करो। ओके नहीं बोल रहा, स्टॉप 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 स्टॉप, माय टर्न। साढ़े पांच, स्टार्ट करें, चलो। सो फाइनली गाइज, हमारा वर्कआउट हो गया है और 1 घंटा उससे थोड़ा सा कम ही हुआ है। दोनों की हालत ख़राब हो गई, और उधर देखो। और अब है प्रोटीन का टाइम, तो प्रोटीन बनाता हूँ। ये रहा, तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, टेस्ट करते हैं कैसा है ये प्रोडक्ट। तो गाइज अभी आया हूँ सिस्टी को लेने के लिए, सिस्टी की बस आ रही है, तो मैं आया हूँ गेट पर ही, क्योंकि हमारी सोसाइटी का मेन गेट है। हाँ नहीं, रुको रुको, भागो नहीं, सिस्टी रुक जाओ, लाओ बैग मुझे दो, लाओ बैग दो मुझे। ये किसने बोट बनाई? आती है बोट बनानी? मम्मी से गले मिल के आती हूँ, क्या रह गया गले मिलने के लिए? गरम गरम। हाँ जी, हम एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं नहीं, सिर्फ मम्मी भी कर रही थी, दोनों ही कर रहे थे। नहीं कुछ हो जाएगा फिर, इतना हैवी है ये ही मत उठाओ। हाँ हैवी है, बस 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 बस, मैं मना कर रहा हूँ ना, दिखाओ। ये देखो गाइस, सिस्टी ने बोट बनाई। कर रहे हो प्रोटीन? वाह कितनी अच्छी खुशबू है चॉकलेट की, चॉकलेट की। अब हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी, बस। अब ये एकदम चॉकलेट जैसा बन रहा है, ये इधर रखे होते हैं कभी कभी। ओ नो, क्यों वो आइस भी खत्म नहीं है? आइस खाली रख रखा है, खाली खाली कौन रखता है बताओ। तो अब इसको हम अच्छे से शेक करते हैं। इतनी ताकत में लगाओ तभी तो शेक होगा अच्छे से। हाँ आप पी के देखता हूँ कैसी लगी। गुड, अच्छी है। पापा मैं भी बड़ी हो जाऊंगी ना, फिर आप भी मुझे बुलाना। ये जब आप वर्कआउट करोगे तब आपको पिलाऊंगा। वर्कआउट मतलब? वर्कआउट वर्कआउट एक्सरसाइजेस, जब आप एक्सरसाइजेस करोगे। अभी नहीं, अभी प्रोटीन नहीं मिलेगा फिर आपको, बड़े होके। अभी सारा इसीलिए तो आपको एग खिलाता हूँ कि आपको एग से प्रोटीन मिले। हाँ तो वो एग ही हो गया। तो टाइम देखने के लिए कभी भी हमें 5 का टेबल लर्न करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसे टेबल 5 का लर्न करना है, तो उतना ही उस पर टाइम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जो 5 का टेबल आता है लर्न कीजिए। तो 5 का टेबल आता है, उसी से टाइम हम देखते हैं और बताते हैं कि कितने बजे हैं। तो अभी कितने बजे हैं? क्या अभी कितने बजे हैं? 12 12। अब ये बड़ी सुई मैंने एक पे कर दी, तो कितने बजे?
सो गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी है। सिस्टी ने टाइम देखना सीख लिया है और मैंने उसको अराउंड 5 to 10 minutes की क्लास ली है और बताया है, और सिस्टी ने रिपीट किया है बहुत अच्छे से। सिस्टी ने मतलब मिनट्स भी बता देगी अब कितने बज के कितने मिनट्स हुए हैं ना, कितने बजे हैं। अब सिस्टी को टाइम देखना आ गया। चलो भाई पहुंच गए। चलो सिस्टी, कोई ये सोचेगा कि ये बैग वैग लेके ना आगे रहने के लिए यहाँ पे। सुबह से ये टाइम मिला है आने का। नमस्ते पापा जी। तो ये हो रहा है वाटरमेलन कट, आज रेड रेड ही हो रहा है, तो हम खाएंगे अभी वाटरमेलन। दिखाना जरा क्या निकला है पैर में से। अच्छा, यहाँ से क्या निकला है? ले ले ये लगा दे। ये कांटा, जरा सा कांटा है, दर्द कर रहा है। ये कुसा हुआ था। इतने बड़े शरीर में जरा सी चीज नहीं खिप सकती। और ये मम्मी ने निकाला है। आई आई आई। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम फ्रेम करके लगाएंगे। पापा भी तो कह रहे थे ना, पापा भी तो कह रहे थे ना, तो मस्ती करेंगे ना। पापा ने तो इतनी कही, पापा ने ये थोड़ी कही मम्मी नहीं है। नहीं, कोई नहीं लेगा। चलो क्या, नहीं कोई, अब छोटी थोड़ी ना होगी ये जो गोदी में लेंगे। हाँ ठीक है, यहीं रहो। ठीक है ओके, मैं बस वाले को मना कर दूंगा। ठीक है यहीं रहो। अब यार ये दौड़ती हुई अपने आप ही। क्यों 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 आ रहे हैं? सिस्टी अपनी नानी के घर रुक गई है। आओ इधर, इधर से आओ सिस्टी, इधर टमाटर रखे थैली में, पीछे की जाएंगे। जाए बस को मना कर दूं, नाम कटवा दूं स्कूल में से। ठीक है चलो, ठीक है ठीक। हाँ इसको छूट मिल जाती है ना, डांटने वाला नहीं है कोई भी, इसीलिए अगर इसको भी पता चल जाएगा सृष्टि कितनी गंदी है, पढ़ाई नहीं करती। अच्छा अच्छा, क्या फिर जाओ ध्यान से जाना। ठीक ठीक नहीं बाय बाय। दूध दूध थोड़ा हल्दी वाला ले लेना आप। हल्दी वाला एक दो दिन, हल्दी से तो मैं इतनी छींक रही हूं। अच्छा हल्दी के पीछे भी कहानी है। अच्छा वो भी सुनेंगे चाय पे। तो फाइनली चल दी है और मेरे पैर का कांटा भी निकल गया। एक्चुअली मैं कल आया था ना, तब से मेरे पैर में हल्का हल्का सा दर्द था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ लगा है, तभी मुझे दर्द हो रहा है पैर रखने पर। इमलता कह रही है नहीं ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, जब बाद में पता चला तो पैर में ही कुछ लगा हुआ देखा था ना, फिर मैंने तो दिख रहा था वो काला काला दिख रहा था कि है, तभी तो बोला था मम्मी एक्सपर्ट है। मम्मी जी हमारी एक्सपर्ट है कांटे निकालने में, दूसरों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हाँ हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसको भी विजिट कर रहा हूँ कांटे निकालने के लिए। वो सिर्फ कांटे वांटे नहीं निकालती, वो बच्चों की वो क्या बोलते हैं, हसलियाँ वसलियाँ भी ठीक करती हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं धरन भी ठीक करती हैं, धरन वरन जैसे धरन में किसी की नाप पौड़ी भी देखती उठाती है। वो क्या होती है मतलब यहाँ पे होती है पसली से नीचे। अच्छा अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ तो मतलब बहुत टोटली यहाँ पे सारे गांव के इन्हीं के पास ही आते हैं ये सब ट्रीटमेंट के लिए, इन्हीं के पास ही। और मम्मी ने ना सीखा इका किसी से कुछ भी नहीं है, मेरी दादी करती थी बस, मम्मी ना दादी करना आ गया, ये सीखने वाले के ऊपर होता है एक्चुअली ना, तो देख के काग गिर जाता है ना वो भी खाती है। काग ये होता है ना काग, हाँ, अच्छा जो ये कंट कंट होता है ये काग जो गिर जाता है, इसको भी यहाँ से पता नहीं यहाँ से बाल पकड़ के हल्के से खींचती हैं और वो काग उठ जाता है, मतलब ये जो कंट होता है। वाह क्या टैलेंट है। और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट।
दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए फ्री में होता है ये, इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो फिलहाल चलते हैं, अभी सब्जी लेनी है रास्ते में से और 10 बजने वाले हो रहे हैं ना। और गाइस ये देखो सृष्टि नानू नानी के पास रुक रही थी और आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। आप लोग ही बताओ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे बिना पढ़े लोगों को आप लाइक करते हो तो ये आप कमेंट करके बताना मुझे कि बिना पढ़े लोगों को आप लाइक करते हो या नहीं। सृष्टि को हम दिखाएंगे, वो खुद पढ़ेगी फिर कमेंट, हाँ अपने आप खुद पढ़ेगी, अपने आप खुद पढ़ेगी किसने क्या कमेंट किया है, वैसे पढ़ लेती है सृष्टि। तो गाइज अभी फिलहाल पहुंचे हैं हम सब्जी मंडी। 10 का किलो ककड़ी 10 का किलो। मुझे पता लेडी फिंगर बहुत अच्छी लगती है। लेडी फिंगर पसंद है इसीलिए तो मम्मी ले रही है। आपको पसंद है लेडी फिंगर? हाँ बहुत पसंद है। तो गाइज अभी सब्जियां ले ली हैं और पीछे ढेर लगे। सो गाइज अभी है सोने का टाइम, सृष्टि तो सो चुकी है और वर्कआउट आज फर्स्ट डे था वर्कआउट का, तो शरीर बहुत ज़्यादा मतलब थकावट सी फील हो रही है। और जैसे जैसे वर्कआउट डे बाय डे इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो अच्छा वर्कआउट होगा और मसल्स में चेंजेस आएंगे। बस अभी थोड़ा कुछ फाइनेंशियली इशू की वजह से अभी जिम वगैरह नहीं जा रहे, वरना तो जिम जाता प्रॉपर अच्छा रहता। तो अभी सबसे पहले मैं अपना कैमरा लूंगा क्योंकि मुझे अपना कैमरा सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कैमरा लूंगा देन उसके बाद और चीजें अरेंज करूंगा धीरे 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 धीरे। आई नो कि हमारे अकॉर्डिंग सब चीजें पॉसिबल नहीं होती लेकिन हमें अरेंज करनी होती है, उसके लिए फाइट करनी होती है स्ट्रगल से। और मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि मैं हासिल कर लूंगा धीरे धीरे उन सब चीजों को। जिंदगी में बहुत कुछ करना है दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे, मिलते रहेंगे ऐसे ही आने वाले व्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।